ये 170, 172 या 180 वोट कुछ भी नहीं है। कोरोना के हिसाब से वोट लें, फिर पता चलेगा आवाम क्या चाहती है। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान ने कितने डेवलपमेंट किए? बिल्कुल भी नहीं किए। हमारे एक नहीं, हमारे 17 वोट है इमरान खान के। इंशाल्लाह देंगे वोट, खान साहब को देंगे। अपने कैप्टन के साथ उनको दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ ही हैं और हम उनको उनकी सपोर्ट के लिए, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिस तरह उनको निकाला गया है। सिर्फ आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा कि इमरान खान निया जी की सरकार जा चुकी है। उसके जाने की वजह यह है कि इमरान खान ओवर कॉन्फिडेंस थे और उनकी सरकार अल्पमत में चल रही थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष ने पेश किया और इमरान खान ताज के पत्ते की तरह ढह गए और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे शहबाज शरीफ। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि जल्द आपसे मिलूंगा और वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों होती है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो कि भाई जो कटोरा है इनके पास में भीख मांगने वाला, वो आगे आगे सरकाने के लिए, सब देशों के आगे रखने के लिए। पाकिस्तान में जो भी प्रधानमंत्री होता उसका काम होता है भीख मांगना, अपना कटोरा आगे सरकाना। पुराने कटोरा खान जा चुके हैं, नए कटोरा खान आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक, वो कौन से कटोरा खान की सपोर्ट में है, कौन से कटोरे खान का उनको काम प्रिय लगा, कौन से कटोरे खान का उनको काम बुरा लगा। और इन पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी सवाल किया जाएगा कि भारत पाकिस्तान से आगे क्यों है और आगे क्यों है, वो भी आपको आगे देखने को मिले। तो मैं आप लोगों का कीमती समय भी बर्बाद नहीं करता हूं और सीधा पब्लिक रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के अंदर कोई मीम वगैरह नहीं है, कोई रोस्टिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश होती है कि भाई हमको न्यूज भी दिखा दिया करो, कुछ बोलने भी दिया करो, इनको सामने वालों को तुम गला घोंट देते हो। तो भैया आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, तो आप मजा लीजिए। अपने कैप्टन के साथ उनको दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ ही हैं और हम उनको उनकी सपोर्ट के लिए, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिस तरह उनको निकाला गया है। सिर्फ अच्छे मैं कहती हूँ, उनसे अच्छा कोई लीडर ही नहीं, आज तक कोई आया ही नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ अपने मुल्क को इन गद्दारों से बचाना है जो अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। हमारे एक नहीं, हमारे 17 वोट है इमरान खान के। इंशाल्लाह देंगे वोट, खान साहब को देंगे। ये सब चीज़ें हमें नहीं था पहले पता, लेकिन इमरान खान को तो हमें हर चीज़ का पता लग गया कि कैसे कानून, कैसे मामला, कैसे गवर्नमेंट चलते थी। जो ये लोग हमसे चीट करते थे, छुपाते थे, अब कहने को उसने हमें जगा दिया उसने। ये 170, 172 या 180 वोट कुछ भी नहीं है। कोरोना के हिसाब से वोट लें, फिर पता चलेगा आवाम क्या चाहती है। मतलब अगर इन्होंने ये काम करना ही था तो इज्जत से उतर जाते, यहाँ रिज़ाइन कर देते। लेकिन जो आजकल की यूथ है और जो आवाम, मतलब आजकल अभी उगी है, वो कहती है कि नहीं इमरान खान ही सब कुछ है, ये वो। हालांकि उसने अच्छा किया भी है मुल्क के लिए। यकीन करे, ये बदकिस्मती है इस कौम की। कैसे चेहरे रात को बैठे हुए थे 14 बंदे और एक अकेला आदमी को पकड़ते हो। अगर वो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म रह के कानून तोड़ सकते हैं, दैट मीन्स के वो पाकिस्तान के कहीं से भी हमदर्द नहीं है। और बेसिकली उनको मैं तो यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चला जाना चाहिए। एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म की पीठ पे छुरा घोंपा गया। तो इमरान खान साहब ने यहाँ पे रह के किया है हुकूमत में अपना, गरीब सारे लूट गए हैं और अमीर जो थे वो और गरीब होते जा रहे हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है भारत की, और जो जवाब में मरियम नवाज ने भी जो कहा, उस हवाले से क्या कहें? उस हवाले से ये है कि हम अपना कंपैरिजन इंडिया से नहीं कर सकते, पाकिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान जिंदाबाद। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम तो बेकारी हैं, जो हमें कहेंगे हम वो करेंगे। क्यों बेकारी, हम जुत्ती पे नहीं जानते अपने शहबाज शरीफ को। देखिए, उनको उनकी पॉलिसीज अच्छी लगी, उन्होंने अपने मुल्क में रहते हुए उनकी पॉलिसीज को अच्छा बोला, तो उनकी पॉलिसीज को अच्छा कहने से पहले अपनी पॉलिसीज को क्यों नहीं अच्छा कर लेते? ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में हुकूमतें करेंगे, जायदादें तो बाहर बना रहे हैं, ये मोहब्बत वतन है। अमेरिका पाकिस्तान के मामलों में इंटरफेयर करता है, आपको क्या लगता है कि इंडिया को, इंडिया के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है? जिस तरह का इंडिया अपने हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, दुनिया को, दुनिया में अपने आप को मनवा रहा है, हम क्यों नहीं मनवा पा रहे? हम इसी तरह ही रहेंगे? अगर एक बंदा आता तो उसको पूरा हुकूमत करने नहीं दिया जाता, पीडीएम बनाकर दूसरे बंदे उसको गिरा देता है। इंडिया पर ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? इंडिया देखें तो, अब कंपेरिजन करें कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे, आज इंडिया कहाँ पर है, हम कहाँ पर है? इंडिया में ज़्यादा ग्रोथ करने की क्या वजह लगती है? उनकी एजुकेशन ज़्यादा या
या उनके सियासतदान उनके साथ अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है या उनकी अवाम अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है? देखें, बात यह है कि जो इंडिया है ना, उन्होंने शुरू से अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो एक आज़ाद रखी है। एग्जैक्टली exactly. और दूसरी बात मैं आपको एक बताऊँ, इंडिया के अंदर आपने कभी देखा आज तक माशाल्लाह लगाओ? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के मामलों में इंटरफेयर करता है, क्या इंडिया के मामलों में कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आपको अब क्या लगता है कि आने वाले कल आप कैसे देखते हो, आने वाले टाइम में दोबारा से वापस आ सकते हैं इमरान खान? इंशाल्लाह दो तिहाई अक्सरियत से आएंगे और हम खान साहब को लेके आएंगे, और ये जो साम्राज्य हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका ने हमारे सरों पर बिठाई है, इसको इसी असेंबली से खींच के बाहर निकालेंगे। ये डेढ़ साल में अगली हुकूमत भी मेरे ख्याल में कोई खातिर ख्वाह कुछ नहीं कर सकेगी अवाम के लिए। सर, आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वाकई ही आज की डेट में अच्छी? कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वो हमसे आगे हैं। इन्हीं हुक्मरान की वजह से हमारी हुकूमत का नहीं पता आज क्या है कल क्या है। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि कोई भी बड़ी बड़ी जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, इंडिया उसके आगे नहीं झुकता। तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया उसके आगे कैसे नहीं झुकता? कैसे नहीं झुकता? इंडिया तो झुकता है। कैसे झुकता है? मैं तो सीधे सीधे अल्फाज में यही कहूँगा कि फकीर है। आपने मैंने आपसे कहा कि वो किसी भी कंट्री के आगे नहीं झुकते, कोई एक फैक्ट बताएं कि वो झुके हो। कोई एक फैक्ट हो तो फिर मैं उनमें से सिलेक्ट करके आपको बताऊं ना। एक फैक्ट है ही नहीं है। आपने कभी इनके इंटरव्यूज नहीं देखे? कभी आपने इनको दूसरों से मांगते हुए नहीं देखा? कभी आपने इनको रूस आपका तो बहुत बार देखा उनका तो जारी बात है, उनका तो काम ही तो नहीं देखा मैंने। इनके तो मैंने जो डेवलपमेंट देखी है वो तो बहुत अच्छी है। आप उनको इतनी अच्छी डेवलपमेंट कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप उनकी डेवलपमेंट सेक्टर, चले आप मुझे ये बताएं कि कोई एक डेवलपमेंट जो उनकी बहुत बुरी, अपनी जो उनकी कौम है वो अपनी कौम को बिल्कुल भी उस नजरिए से हैंडल नहीं कर रहे जिस नजरिए से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के उनकी गवर्नमेंट दूसरों के गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के अपने अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए सर काम कर रही है ना उसकी गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमारी भी ऐसी करनी चाहिए ना। लेकिन हमारी फिर आपने अभी कहा कि वो जो है इसीलिए सर उनकी फॉरेन पॉलिसीज आज की डेट में बहुत अच्छी है, तो आप ये कह रहे हैं आगे से खुद मुख्तार नहीं है ना वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो सर उनके साथ सारे बिजनेस कर रहे हैं ना सर। अगर मैं अगर आपने जैसे कहा कि मैं अगर अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए देखूंगी कि वो मुझे वो चीज सूटेबल है, मैं अपने मुल्क में वो चीज बनाऊंगी। अगर आपने एग्जांपल दिया मुख्तारी से कर रहे हैं सर, इसी तरह सीखते हैं। आप मुझे बताएं कितने डेवलपमेंट पाकिस्तान में कर ली, पाकिस्तान ने कितनी, मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने कितने डेवलपमेंट कर लिए? बिल्कुल भी नहीं किए। क्या 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 बोला? मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने कितने डेवलपमेंट कर लिए? बिल्कुल भी नहीं किए। पाकिस्तान में जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो विकास कार्य तो कभी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो भी नीति होती है आतंकवाद के ऊपर होती है, और आतंकवाद को कंट्रोल करता ISI और पाकिस्तान आर्मी, वो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। और ये जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो डमी प्रधानमंत्री होते हैं, ये कठपुतली होते हैं पाकिस्तान आर्मी के। पाकिस्तान की आवाम को जब इमरान खान था वो इमरान खान को गालियाँ देती थी, जब इमरान खान नहीं है तब भी इमरान खान को गालियाँ देती है, और कुछ लोग ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैं राजनीति समझता हूँ, ये इमरान खान को इस तरीके से लात मार के भगाना, वो भी डेढ़ साल पहले, ये इमरान खान के लिए ही प्लस पॉइंट है।